अस्सलाम वालेकुम, इंडियन रेसिपी बेस्ट में आपका स्वागत है। तो आज बना रहे सुक्की वाकटी मच्छी का रस्सा। आज अपन बना रहे सुक्की वाकटी मच्छी का रस्सा। हाँ, मैंने एक आलू ली हूँ बड़ा, ये देखो ऐसा इसको काटी हूँ। उसके साथ में एक मीडियम साइज का बड़ा टमाटर ली हूँ, दो मीडियम साइज के प्याज ली हूँ उसको ऐसा बारीक काटी हूँ, चार मिर्ची ली हूँ उसको ऐसे बीच में से चीरी मार के ऐसे दो टुकड़े करी हूँ, आधा से आधा चम्मच गरम मसाला, एक चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, थोड़ी सी कोथमीर और ये अपने को थोड़ा सा कोकम चाहिए, क्योंकि तो अपन एक बड़ा टमाटर ले ले तो इसलिए थोड़ी कोकम ली, नहीं तो ज़्यादा सालन खट्टा होगा। और दो लहसुन की कलियाँ ली हूँ उसको कुचल के रखी हूँ। चलिए आइए अपन अभी बनाएंगे। मैंने कढ़ाई गरम करने रखी हूँ, ये देखिए अभी अपन इसमें डालेंगे तेल। हाँ, ये दो चम्मच, एक चम्मच हो गया, अभी ये दो चम्मच और थोड़ा सा आधा, जरा वाकटी का बनाएंगे ना रस्सा उसमें तेल थोड़ा तरी अच्छी लगती है। हाँ, अभी गर्म होने देंगे। गर्म होने के बाद पहला अपन डालेंगे लहसुन, जो मैंने बोली ना कुचल के रखी हूँ वो लहसुन डालेंगे। हाँ, थोड़ा तेल गर्म होना है, फिर हो गया है। अभी लहसुन कुचलने के बाद में आपको थोड़ा, अपने को लहसुन को पूरा पकाने का नहीं है, थोड़ा कच्चा ही रखना है, तो लाल लाल ब्राउन नहीं करना है। अभी देखो ऐसा हो गया, उसके बाद में हरी मिर्ची और ताबड़ तो अपने को प्याज डालना है। हाँ, इसको प्याज को अपने को अच्छे से ब्राउन करना है। गैस मेरी फास्ट ही है, अपने को फास्ट ही रखना है गैस। हाँ, अभी प्याज को ब्राउन करने के बाद बाकी मसाले अपन डालेंगे। अपन देखेंगे, ये देखिए अपना प्याज इतना ब्राउन हो गया है। अभी अपन इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। हाँ, अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे और उसको अच्छे से तेल में मिलाएंगे। हाँ, अच्छे से तेल में मिला के अभी अपन डालेंगे इसके अंदर टमाटर। हाँ, माशाल्लाह अपन ये रस्सा बना रहे ना, मतलब ज़्यादा पतला भी नहीं, ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं, मतलब आप चावल के साथ, खिचड़ी के साथ, रोटी के साथ आप खा सकते हैं आराम से। हाँ, मतलब जो चीज़ आपको पसंद है, रोटी, चावल, खिचड़ी या जवारी की रोटी, चावल की रोटी, मसाला आप उसके साथ में खा सकते हैं। हाँ, अभी अपन डालेंगे इसके अंदर आलू। आलू इसीलिए पहले ही डाल रहे, क्या आलू गलना चाहिए बोल के पहले ही डालते। हाँ, तो वाकई अपनी गल जाएंगी, आलू अगर तेल में ऐसे भूनता रहा तो जल्दी गल जाएगा, इसके लिए। अब मैं गैस को करती हूँ जरा स्लो और अपन बाकी के मसाले डालेंगे। हाँ, चलिए अभी मैं डाल रही हूँ आधा चम्मच हल्दी। हाँ, एक चम्मच भर के अपन डालेंगे धनिया पाउडर। ये देखिए मेरे एक चम्मच से थोड़ा कम था बोल के मैं ऊपर डाल रही हूँ। हाँ, अब डालेंगे मिर्ची पाउडर। हूँ, एक चम्मच, अरे दो चम्मच और आधा, मैं बोलती हूँ हम लोग तेज खाते बोल के मैं मिर्ची पाउडर ज़्यादा डालती हूँ। अगर आप तेज कम खाते हैं तो आप आधा चम्मच, एक चम्मच भी डाल सकते हैं आप अपने हिसाब से। हाँ, हाँ, और अभी डाल रही मैं आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्ची। ये मिर्ची अपनी कश्मीरी लाल मिर्ची तेज नहीं देती, सिर्फ सालन अपना इसमें खूबसूरत दिखता है। कुछ भी डिश अपन बनाएंगे और उसमें डालेंगे तो लालपन दिखता और खूबसूरत दिखता बोल के अपन डाल रही है, टेस्ट के लिए नहीं है, तेज भी नहीं है। हाँ, अब नमक डाल रही हूँ मेरे टेस्ट के हिसाब से, आप अपने टेस्ट के हिसाब से ये नमक डालना। पर नमक में ना थोड़ा हाथ कमी करना, क्योंकि तो कोई कोई वाकटी मच्छी ये सूखी रहती है ना, थोड़ी खारी रहती है, और अपन ये मसाले के हिसाब से नमक डालेंगे और वो वाकटी मच्छी भी खारी रहती है तो सालन अपना ज़्यादा खारा बन जाएगा, इसलिए थोड़ा नमक कम ही डालना। आप अपने हिसाब से भी डालेंगे ना फिर भी, क्यों सालन कम खाने के टाइम पे पड़ा तो थोड़ा सा अपन ऊपर डाल सकते हैं। अभी इतना अच्छा अपन टेस्टी खाना बनाएंगे और सालन में नमक ज़्यादा हो जाएगा तो सबके मुँह से खाना निकल जाएगा। हाँ, ये देखिए अब मसाला अच्छे से भुनने का, ये देखिए मसाला अच्छा भुने गया है। हाँ, रस्सा मस्त बनेगा अपना। हाँ, मैं गैस तो कर रही फास्ट अभी। हाँ,
अब डाल रही हूँ मैं इसके अंदर ये सुखी वक्ती मच्छी। हाँ मैं मेरे हिसाब से ली, आपको जैसा लगती है उस हिसाब से आप लेना। हाँ माशाल्लाह, अभी अपन इसके अंदर डालेंगे कोथमीर। हाँ कोथमीर डालेंगे और अब थोड़ा सा पानी डालेंगे, थोड़ा सा डालेंगे पहला। हाँ मसाला भूनने के लिए चाहिए ना इसके लिए, नहीं तो अगर पानी नहीं डालेंगे तो मसाला नीचे लग जाएगा। इसके लिए थोड़ा सा पानी डाल के अपने को भूनना है। हाँ बहुत अच्छा लगता है मेरे को तो सूखी मच्छी, और मच्छी मेरी जान है, ये बनेगा ना तो थोड़ा खाना ज़्यादा भी जाता है एकदम। ये देखिए अब अपन अपने हिसाब से, मैं अभी एक गिलास पानी डाल दूँ। ये देखिए थोड़ा सा देखती हूँ एक गिलास जाता है क्या कितना, फिर उस हिसाब से हाँ बताती हूँ अपने को। हाँ मैंने एक गिलास पानी डाल दी। हाँ देखिए मैंने एक गिलास पानी डाली हूँ। अभी अपने को इसके अंदर मैंने गरम मसाले की पाउडर बोली थी आधे से आधा चम्मच करके ली हूँ, ये गरम मसाले की पाउडर और एक कोकम अपन अभी साथ में रखेंगे और इसको अपन बाद में डालेंगे, मैं आपको बताती हूँ कब डालेंगे। हाँ अब इसको पकने दो। चलिए अभी अपन देखेंगे अपना रस्सा कहाँ तक पहुँचा है। माशाल्लाह थोड़े आलू अपने गलने के बाकी है। हाँ तो मैं आपको बोली थी ना एक कोकम और गरम मसाले की पाउडर अभी अपन डालेंगे। हाँ थोड़ा जब ही क्यों नहीं डाली की तो कोकम के खट्टेपन से अपने आलू जल्दी गलेंगे नहीं इसके लिए। हाँ खट्टेपन से क्या होता है जल्दी आलू गलते नहीं है। हाँ अब थोड़ा सा पानी अपन डालेंगे। हाँ क्यों तो आलू अपने पकने के है ना इसके लिए। हाँ अभी अपन आलू को पकने देंगे फिर मैं आपको बताती हूँ। चलिए अभी अपन देखेंगे आलू गले क्या नहीं गले। हाँ आपको दिखाती हूँ, माशाल्लाह आलू गल गए देखो। हाँ दो टुकड़े हो गए और रस्सा भी अपने को इतना, बस में गैस स्लो करी थी अभी फास्ट कर रही हूँ, रस्सा भी अपने को इतना बस में मेरे हिसाब से रस्सा रखी। अगर आपको और थोड़ा पतला चाहिए तो पतला रख सकते, आपको और सूखा चाहिए और तो अपन सूखा भी रख सकते हैं। चलो अब मैं कर रही हूँ गैस बंद, अपना वाक्टी सूखी वाक्टी का रस्सा रेडी हो गया। चलो खाने को आ जाओ, बिस्मिल्लाह करने। देखिए सुक्की वाकटी मच्छी का रस्सा रेडी हो गया है, तो आप लोग भी ज़रूर बनाना और कमेंट बॉक्स में लिखना कैसा बना है। लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, प्लीज़ आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।